नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूँ अपना मास्टर्स फ्रॉम NIT त्रिची। क्या आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एमटेक प्लेसमेंट के थ्रू? हाँ, तो आप बिल्कुल सही हैं, हाँ आप बन सकते हैं। पर इसकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग एमटेक में आना चाहते हो तो एमटेक में वेरियस टाइप की कंपनीज होती है, वेरियस टाइप की जॉब प्रोफाइल होती है जिसमें आप प्लेस हो सकते हैं। आप कंसल्टिंग में जा सकते हैं, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, IT में जा सकते हैं, आप जा सकते हैं कोर में, इंजीनियरिंग में, बहुत सारे बैकग्राउंड्स में आप जा सकते हैं। इसके लिए क्या है, मैंने एक पूरी वीडियोस बना के रखी है, पूरी मेरी प्लेसमेंट्स की सीरीज है। यहाँ आपको साइड में ऊपर दिख रहा होगा वो सीरीज, ठीक है, उसका थंबनेल दिखा दिया है मैंने, प्लेसमेंट सीरीज दिखा दी है, वहां से आप जाके वीडियोस देखिए, आपको एमटेक में बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू एमटेक प्लेस। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगा कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लोग चाहते होंगे कि अब यार एमटेक में चल रहे हैं, इसके साथ साथ गेट की प्रिपरेशन कर लेंगे, पर यार कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या करें, कहां से कोचिंग लें। तो मैं आपको बता सकता हूं कि अनअकैडमी लेकर आए हैं ऑनलाइन बहुत बढ़िया बैचेस, तो आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर बेस्ट टीचर्स के थ्रू आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, साथ साथ अपना एमटेक कर सकते हो। अगर आप इस साल एमटेक ड्रॉप करने की सोच रहे हैं तो फिर भी आप उनके कोर्सेज ले सकते हो और घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अनलॉक 20 का यूज करिए और 20% का ऑफ मेरे कोड SID12334 को यूज करके ले लीजिए। इसके साथ साथ अनअकैडमी अभी स्कॉलरशिप टेस्ट भी करा रहा है, तो आप क्या करिए, स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, वहां से 100% तक आपको फ्री में पूरा ऑनलाइन कोर्स मिल सकता है। तो जो लिंक्स है वो सारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एमटेक प्लेसमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन से कॉलेजेस आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज आती है, IITs NITs भी आती है क्या। तो चलिए हम लोग पूरी बात करें तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते, फिर वो चाहे IIT हो, NIT हो, IIIT हो, फिर आपके MHRD से रिलेटेड कॉलेजेस हो या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, आप विदाउट PhD करे इन इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते हैं। इन इंस्टीट्यूट्स के लिए PhD मैंडेटरी है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी 3 साल पहले एक टाइप का QIP प्रोग्राम आया था, दैट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत अगर आपने एमटेक किया है तो और आप QIP के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में एज वेल एज बहुत सारे कॉलेजेस में, स्टेट लेवल के कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रोफेसर बन के जा सकते थे, 80,000 रुपए तक की अच्छी सैलरी भी ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो एक टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर बन के लोग गए थे, 3 साल का ये टाइम पीरियड था, ठीक है, अभी QIP प्रोग्राम को इन लोगों ने शायद बंद रखा हुआ है, अभी उसके ऊपर हड़ताल वगैरह भी चल रही थी, अभी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि अभी QIP वगैरह का क्या चल रहा है। अब तो फिर कौन से इंस्टीट्यूट लेने आते हैं सर, तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट लेने आते हैं वो आती है प्राइवेट कॉलेजेस। देखिए जो गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है वो भी बिल्कुल PhD के बिना किसी को भी प्रोफेसर में नहीं रखती। आप लोग एमटेक के थ्रू वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, पर वहां पर एज अ गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हो, और गेस्ट फैकल्टी का जो पेमेंट होता है वो बहुत कम होता है, तो उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है, काफी ज्यादा कम पेमेंट होता है तो आप वैसे भी नहीं जाओगे, ऑब्वियसली आप एमटेक कर चुके हो एक IIT NIT से। इसके साथ साथ क्या है, अब प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस हमारे यहाँ आते हैं तो सैलरी भी कुछ देते होंगे, तो यहाँ पर जो सैलरी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में होती है, ये थोड़ी कम भी हो सकती है और थोड़े अच्छे कॉलेजेस आते हैं तो थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस आए तो उनके एग्जाम वगैरह प्रोसेस क्या होता है, देखिए एग्जाम प्रोसेस उनका बहुत सिंपल होता है, FT होता है, टेक्निकल होता है, आप उसे क्लियर करिए, आप जाते हैं और सेकंड राउंड में वहां पर प्रोफेसर्स वगैरह बैठे रहते हैं उस कॉलेज के पर्टिकुलर जो लेने आए होते हैं, वो आपसे कंसेप्ट वगैरह पूछते हैं, आपके टीचिंग कंसेप्ट्स को देखते हैं कि आप अपने जो कंटेंट है उसमें कितना अच्छे हैं, आपके नॉलेज में कितने अच्छे हैं, और वो आपको डायरेक्टली इसके थ्रू हायर कर लेते हैं। इसके साथ साथ एमटेक प्लेसमेंट के साथ साथ यहाँ कॉलेजेस के ऑफ कैंपस भी निकले होते हैं, आप लिंक्डइन वगैरह के थ्रू, आप ऑनलाइन naukri.com के थ्रू भी देख सकते हैं कि इस कॉलेज में यहाँ पर प्रोफेसर की जॉब निकली हुई है, एमटेक रिक्वायरमेंट है, तो आप वहां अप्लाई करके, वहां पर इंटरव्यू में कुछ नहीं होता, प्रोफेसर की पैनल होती है, आप जाते हो एग्जाम दे सकते हो और इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अब क्या यार सर इससे फायदा है, मतलब अगर हम जा तो रहे हैं, हमने जॉब ज्वाइन कर ली, मानिए हमारा लग गया 50,000 का लग गया, तो अच्छी सैलरी तो है सर, अब क्या दिक्कत है यार, इसी के साथ जिंदगी काटेंगे, एमटेक से हो तो गया, नहीं ये गलत बात है। अगर आप लोग यही प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब PhD को हायर करने आती हैं
तो ये 1,00,000 रुपए से लेकर 1,20,000 तक का पेमेंट कर देने आती है। पर ये एमटेक को लेने आई तो उन्होंने सिर्फ 50,000-60,000 रुपए दिए। तो यहां पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा एमटेक और पीएचडी में क्या डिफरेंस है। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक टाइम के बाद आपकी लाइफ ना स्ट्रिक्ट हो जाएगी। मतलब आप ज्यादा, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, तो अगर आपको एज अ प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करना है, तो आप सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो रहोगे नहीं ना, आप प्राइवेट से स्टेट जाओगे, स्टेट से एनआईटीज, एनआईटीज से आईआईटीज, आईआईटी से आईएससी और फॉरेन, तो इस तरीके से आप जाओगे ना। तो इस तरीके से जाने के लिए आपको पीएचडी चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप लोग एट द इस मोमेंट आप पीएचडी करने के लिए तैयार नहीं है, आप फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, तो ऐसे अगर कॉलेजेस आते हैं तो आप उसमें प्लेस हो जाइए, 2-1 साल पढ़ाइए, उसके बाद किसी आईआईटी में आईएससी में एनरोल करिए पीएचडी के लिए, बढ़िया तरीके से पीएचडी करिए, उसके बाद एनआईटीज आईआईटीज में आप अप्लाई करिए। नहीं तो क्या कर सकते हैं, आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं, पोस्ट डॉक के थ्रू बढ़िया आईआईटी को ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ प्रोफेसर आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन में भी आप प्रोफेसर की जॉब ले सकते हैं, वहां बहुत ज्यादा पेमेंट मिलता है। अगर आप आईआईटीज एनआईटीज की बात करें तो पेमेंट तो 60-70,000 होता है, उसके साथ साथ एचआरए होते हैं और जो फैसिलिटीज होती है लैब फैसिलिटी, मतलब आपका कोई है ही नहीं यार। अगर आप आईआईटी एनआईटी में आपने अपने प्रोफेसर को देखा है तो आपको समझ में आया होगा कितनी बेहतरीन उनकी जिंदगी रहती है। तो पीएचडी एक असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपको पढ़ाई वाली एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना है तो पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनके एमटेक करने के बाद मत रहिए, पीएचडी की तरफ मूव करिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है 1-2 साल अगर फाइनेंशियली आपको फैमिली को सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये पूरी बात थी, यहाँ पर सैलरी मैंने आपको बता दी, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर दिया। आशा करता हूँ, बता दूं आपको, बहुत सारे कॉलेज होते हैं, ठीक है, आपको जैसे साउथ के कॉलेजेस में पढ़ोगे आप आईआईटी एनआईटी में, तो साउथ के कॉलेजेस हायर करने जाते हैं, और अगर आप नॉर्थ साइड में हो तो नॉर्थ की बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हायर करने आते हैं, दिल्ली वगैरह। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके साथ साथ ये बोलना चाहूंगा कि मैंने पीएचडी की लाइव बनाई है, वहां पर भैया है मेरे साथ, उन्होंने बहुत सारी पीएचडी के मतलब प्रोस कॉन्स, बहुत सारी चीजें, अंदर की चीजें जो किसी को नहीं पता होगा वो भी बनाई है, उसकी वीडियो की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आप जाइए, सारी प्लेलिस्ट को मैंने एंड स्क्रीन में डाल दिया है, टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो जाइए ज्वाइन करिए। तो आप लोग बस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।